अंदर में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लगातार जब तक इनका काम हुआ नहीं, लगातार फॉलोअप करते रहे। देशराज जी, देशराज शर्मा जी अध्यक्ष हो गए तो देशराज ठाकुर जी महामंत्री हो गए। आज दोनों मंच पर है, एक बार इनके लिए ताली लगा दो। सारी बातें आपके सामने आ गई हैं, मुझे जाना भी है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जिसकी ओर अश्विनी पटियाल जी ने और देशराज जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया, वो है 2021 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सहकारिता विभाग केंद्र बना दिया। पहले कृषि विभाग इसको देखता था, अब अलग से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बना और उसके मंत्री अनिल शाह जो स्वयं बहुत बड़े कॉरपोरेट सहकार के आंदोलन के साथ जुड़े गुजरात में थे, इसलिए बहुत काम बढ़ रहा है। दूध उत्पादन, मछली उत्पादन और LPG के सेल सेंटर मिल सकते हैं, अनेकों गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो जो सोसाइटी पिछड़ रही है वो भी उस काम को उसमें जुड़े तो बहुत लाभ हो सकता है। और एक्ट के मुताबिक जो आपकी सैलरी दी गई है वो प्रोडक्टिविटी के साथ जुड़ी गई है, इतना काम करोगे उतनी तनख्वाह मिलेगा, सोसाइटी से मुनाफा कमाएगी, शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, कर्मचारी को मिलेगा। तो जितना काम बढ़ाओगे उतना आगे बढ़ोगे,